अस्सलाम वालेकुम मोजिज़ नाज़रीन, यहाँ पर बात करेंगे। बाबर आजम ने पाकिस्तान का एशिया कप के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड का ऐलान कर लिया, जहाँ पर बाबर आजम ने पांच बहुत तब्दीलियाँ कर दी है एशिया कप के लिए। पाकिस्तानी टीम में पांच बहुत तब्दीलियाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तान बाबर आजम ने कर दी है। कौन से पाँच तब्दीलियाँ बाबर आजम ने कर दी, बाबर आजम ने कौन से स्क्वाड का ऐलान कर दिया, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में एक घंटे को ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते हैं बाबर आजम के हवाले से कि बाबर आजम ने पांच बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी है एशिया कप के हवाले से कि एशिया कप में बाबर आजम ने पांच तब्दीलियों का ऐलान कर दिया कि ये पांच तब्दीलियां होंगे पाकिस्तानी टीम में। ये पांच खिलाड़ी कौन कौन से, तो चले आप लोग बताता चलो कि पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर मोहम्मद हारिस को शामिल कर दिया। दूसरे नंबर की बात करें सेम अयूब है। तीसरे नंबर की बात करें एहसानुल्लाह है। चौथे नंबर की बात करें अब्दुल्ला शफीक है। और पाँचवें नंबर की बात करें आसिफ अली है। बाबर आजम ने ये पाँच खिलाड़ी को एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल कर दिया। बाबर आजम ने बता दिया कि ये पाँच खिलाड़ी एशिया कप की 2023 में होंगे।